केवल शनि देव ही माया के जाल में नहीं फंस रहे थे, गजासुर और गजमुखासुर दोनों ही प्रभु विष्णु के बनाए जाल में फंस चुके थे। बरसों बीत गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे इन आदि प्रेमियों के भाग में केवल विरहा है, मिलन नहीं, जैसे इनका प्रेम कभी सफल नहीं होगा। पर सच्चा प्रेम अपना मार्ग खोज ही लेता है। कितने कालखंड बीते स्मरण नहीं, पर अंत में देवी पार्वती की पुकार महादेव के हृदय तक पहुंच गई। ओम नमः शिवाय। आंखें खुली, उनके मन ने देवी सती के अंश को पहचान लिया था, पर अब महादेव संपूर्ण सत्य जानना चाहते थे, इसलिए वह ऋषि के वेश में अपने चिर प्रिया के प्रेम की परीक्षा लेने पहुंचे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। बस कीजिए देवी। कौन है ये साधु ऋषि और मेरी शिव भक्ति में विघ्न क्यों कर रहे हैं? रोक दीजिए तपस्या। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कैसे कर सकती हैं जो एक यावर का जीवन जीता है, जिसके पास आप जैसी रूपवती राजकुमारी को देने के लिए उपहार में और कुछ है तो बस दुर्गम कैलाश की चोटी, जहां हर समय मां भयंकर अस्थियां हिला देने वाली शीत का प्रभाव बना रहता है, जो हर समय भूत प्रेत पिशाच निशाचर बैलों और नागों जैसे पशुओं से घिरा रहता है। आप अपने महलों का सुखी जीवन छोड़ के एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करके अपने जीवन को सदैव के लिए दुस्वप्न क्यों बनाना चाहती हैं? बस कीजिए ऋषिवर। जो भी अपनी वाणी को विराम दीजिए। जिनके बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूं। यदि अब आपने उनके विरुद्ध एक और शब्द कहा तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप एक ऋषिवर हैं, सम्माननीय हैं। उषण देवी पार्वती के लिए समय मानो थम सा गया था। उन्हें आभास हो गया था कि शिव से उनका मिलन होने को। आप, इसका अर्थ है कि मेरी तपस्या सफल हुई, अब हमारा मिलन होगा। और इस तरह कई कठिन परीक्षाओं के बाद शिव और सती विवाह सूत्र में बंधने वाले थे। महादेव की जैसी बारा पूरी सृष्टि में कोई और बारा ना आज तक हुई है और ना ही कभी भविष्य में होगी। जिस समारोह में वह एक बैल पर सवार हो भूत प्रेत पिशाच निशाचर जैसे विशेष अतिथि हो, जहां देवता और दानव बिना झगड़ा किए एक साथ सम्मिलित हो, उस बारात को तो अद्भुत होना ही था। और वर की शोभा का तो वर्णन ही कैसे किया जाए। उनके पूरे तन में भस्म लगी थी, सर्प आभूषण थे, शीश पर जटाएं थी और उन्होंने अघोरी की तरह वस्त्र पहने हुए थे। पर जब वधू की मां ने ऐसे वर को देखा
तो भय से काम कर अचेत हो गई। और तब पार्वती ने महादेव से अवसर के अनुरूप वेश धारण करने की विनती की। सभी देवी देवताओं ने उन्हें विश्व के सबसे उत्तम रेशमी वस्त्रों और दुर्लभ मणियों से सजाया। महादेव ने कामेश्वर का रूप धारण किया और उनकी आभा पूर्ण चंद्र से भी अधिक मनोहर हो गई। उन्हें इस रूप में देखकर महारानी मैनावती परम प्रसन्न हुई और इस प्रकार महादेव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर शंभु। अब शीघ्र ही महादेव और माता शक्ति की विरह के दर्द की करुणा में गजासुर स्वयं महादेव को मुक्त कर देगा। जहाँ एक ओर प्रभु विष्णु की योजना पूरी होने वाली थी, वहीं नियति शनि देव को कैलाश की ओर ले जा रही थी। आंख लग गई थी। पुत्र, मुझे कितनी देर हो गई सोते सोते? कितने प्यार बीते उसका तो पता नहीं माँ, पर कुछ देर अवश्य हो गई है। तो तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतनी देर से ऐसे ही बैठा रहा, कितनी असुविधा हुई होगी तुझे। यदि मैं आपके गोद में ऐसे सर रख के सो जाता तो क्या आपको असुविधा होती? असुविधा का तो प्रश्न ही नहीं उठता, मुझे तो सुख की अनुभूति होगी। बस माँ, बिल्कुल वही अनुभूति मुझे भी हुई है। मेरी सहायता से आपको तनिक विश्राम मिल पाए, ये मेरे लिए असुविधा नहीं बहुत सुख की बात है माँ। आज अब तू सो जा मेरे पास। अच्छा, शनिदेव गणेश की ओर बढ़ रहे थे, किंतु गणेश को देखने के मोह में वो ये भूल गए थे कि उनकी वक्र दृष्टि गणेश के जीवन में संकट ला सकती है। मन चाहता है कि आगे बढ़ता जाऊं, मस्तिष्क कहता है कि वापस लौट जाऊं, और ये पग हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे में क्या करूं मैं? यहां से तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। चंद्र का प्रकाश तेरे विश्राम में विघ्न पहुंचा रहा होगा। चंद्रदेव के प्रकाश और माता की ममता ने अनहोनी होने से रोक लिया था, किंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है? शनि की दृष्टि से बाल गणेश भी नहीं बच पाए।
शनिदेव, यहाँ तक आने के बाद इस बालक को बिना देखे क्यों जा रहे हैं? चंद्रदेव, मैं वो भाग्यहीन हूँ जो किसी को नहीं देख सकता, इस बालक को भी नहीं। धैर्य रखिए शनिदेव, धैर्य का परिणाम सदैव सुखद ही होता है। काली छाया, शनिदेव, दृष्टि से मेरे पुत्र को देखने का साहस भी कैसे किया आपने? माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, आपका कर्तव्य है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। अपने धर्म से बाध्य हैं आप, और फिर भी आपने ये नियम तोड़ दिया। मेरे पुत्र के साथ अकल्पनीय अपराध कर दिया आपने, और अब इस अपराध का दंड आपको भोगना ही होगा। दंडाधिकारी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए मां। मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ नहीं हुआ पुत्र, और तुझे कुछ होने भी नहीं दूंगी। प्रत्येक माँ हर पल यही प्रयास करती है कि वो अपनी संतानों की रक्षा कर सके, किंतु आवश्यक नहीं है कि वो हर बार सफल ही हो जाए। जो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, यदि उन माँ पार्वती के लिए ही अपनी संतान की रक्षा करना इतना कठिन है, तो हम साधारण मानवों से यदि कोई भूल हो जाए तो हमें दुख और अवसाद में डूबना नहीं चाहिए। वैसे भी जो हो रहा था वो तो होना ही था, विधि का विधान था, नियति पहले ही तय कर चुकी थी, अब तो बस घटित हो रहा था। कितना कुछ था जो अभी सामने आना शेष था, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु विष्णु की कथा का, क्योंकि वो भी अपने वाक्य की तरह रहस्यमय ही था, भविष्य के गर्भ में छुपा अज्ञात। उत्तम, अति उत्तम, आनंद आ गया। सत्य कथावाचक, बहुत श्रेष्ठ कथा कह रहे हो तुम, आगे कहो। सृष्टि के नादि प्रेमियों का मिलन पहले ही बड़ी कठिनाइयों से हुआ, किंतु एक मूर्ख के कारण ये दोनों फिर से एक दूसरे से अलग हो। स्वयं को महादेव का भक्त कहता है वो, किंतु तब अपने ईष्ट महादेव और उनकी प्रिया देवी पार्वती को बहुत गहरा दुख दिया है उसने। कौन है वो? बोलो कथावाचक, उस दुष्ट के बारे में जानने की उत्सुकता मेरे प्राण ले लगी।
तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, परंतु बताओ मुझे कौन है वो मूर्ख। बोलो कथावाचक, कौन है वो? यदि आपके लिए अपने वचन का तनिक भी महत्व है तो महादेव को अपने उधर से बाहर आने दीजिए महाराज। क्योंकि वो मूर्ख आप ही हैं। तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं गजासुर, अब अपना वचन पूरा करो, महादेव को मुक्त कर दो। पता था यह कोई साधारण कथावाचक नहीं है, छल किया है विष्णु ने, छल। गजासुर, किसी भी मूल्य पे महादेव को उधर से बाहर मत आने देना, किसी भी मूल्य पर नहीं। तुम अपनी चिंता करो गजमुखस, असाधारण वरदान मांग कर तुम अमर हो गए, क्योंकि पिता के योगदान के बिना केवल मां से एक संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, पर ऐसा एक बालक संसार में जन्म ले चुका है और शीघ्र ही वो तुम्हारा अंत करेगा। ये सत्य है गजासुर, ये क्या हो गया? मुझे क्षमा करना मेरे भाई, गजासुर छल के आगे पराजय स्वीकार नहीं करेगा। महादेव मेरी इच्छा के बिना मेरे उदर के बाहर नहीं आ सकते। आपने मुझे अंतिम चेतावनी दी थी ना विष्णु, अब मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। निकल सको तो खींच कर निकालो महादेव को मेरे उधर से। गजासुर महादेव से मिले वरदान के कारण इतने अहंकार में था कि उसे ज्ञात ही नहीं कि वो किसके समक्ष चुनौती रख रहा है।